हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस के एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे लोग। और ये वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। हमने प्रीवियस 5 वीडियो में 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, लेकिन इसके आगे सभी वीडियो में 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और आपको ये वीडियो में 25 क्वेश्चन और इसका पीडीएफ भी, एमसीक्यूज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन ये पीडीएफ आपको 100 क्वेश्चन हो जाएगा डिस्कशन, यानी हमने हमने 1 से 100 तक डिस्कशन कर लिया है। और 100 से जब 200 तक कर लेंगे तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा 100 100 एमसीक्यूज का एक साथ, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा पीडीएफ ना होता कि खो जाता है पीडीएफ मोबाइल वगैरह में, तो आपके पास एक साथ 100 100 क्वेश्चन का रहेगा तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो देखिए, ये लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइन क्लासेस है एक तरह का, और ये सभी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, केवीएस एग्जाम दे रहे हैं, एनबीएस का दे रहे हैं, या आप दिल्ली राजस्थान और अनलाइब्रेरियन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये इस मतलब की सीरीज में हमने 10,000 एमसीक्यू सीरीज का और एक्सप्लेनेशन के साथ ये टारगेट रखा है, लेकिन देखते हैं कि कितना जल्दी हम लोग कवर करते हैं। बेसिकली मेरा वीडियो डालने का एक मोटिव ये भी होता है कि जो भी सब्सक्राइबर है चैनल पे, उसके 10% जरूर देखे किसी भी वीडियो को, तो मैं उस पर काम करना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके साथ आप फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन ही नहीं आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन कहता है कि बुक आर फॉर ऑल, यानी कि ये बुक आर फॉर ऑल जो मतलब कि 5 लाइब्रेरी के लॉ हैं उसे एक क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज यूज, यानी कि बुक आर फॉर ऑल निम्नलिखित में पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंड लॉ के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट लॉ वही है कि पुस्तक उपयोग के लिए है, और दूसरा यही है कि बुक आर फॉर ऑल। तो आपका फर्स्ट लॉ जो कहता है वो बुक आर फॉर यूज, यानी बुक उपयोगिता के लिए है, यानी उपयोगार्थ है। दूसरा है एवरी रीडर हिज और हर बुक, और थर्ड है एवरी बुक इट्स रीडर, फोर्थ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और फाइव है अ लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइब्रेरी एक प्रगतिशील संस्था है। तो इस तरह आपको 5 लॉ थे। देखिए, ये 101 नंबर क्वेश्चन था, हमने 100 डिस्कशन कर लिया है, तो 101 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू कहता है हु अमोंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक, यानी कि डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन है। तो देखिए, ये RRLF है, यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है उसका ये पब्लिकेशन है, इसका ये प्रकाशन है, और इसका हेडक्वार्टर ऑफ न्यू दिल्ली में है। पहले ये कलकत्ता में था, 2010 में कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उपयोग किया जाता है, यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यूज फॉर अ बुक सिलेक्शन, इसका यूज बुक सिलेक्शन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है क्वेरी भाषा, ये कंप्यूटर की भाषा है यानी प्रोग्रामिंग की, यानी क्वेरी लैंग्वेज कम अंडर विच जनरेशन, किस जनरेशन के अंतर्गत आती है क्वेरी भाषा। तो देखिए, 4th जनरेशन का लैंग्वेज है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन सोर्स से ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे इसका बहुत सारे कंप्यूटर की भाषा होती है, जैसे सी लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज होते हैं आपको पता होगा, पायथन एक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, HTML, CSS, जावा, ये सभी तरह का लैंग्वेज हैं जो कि कंप्यूटर में यूज होता है, मतलब प्रोग्रामिंग को डेवलपमेंट करने के लिए। तो आपको इस चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है रेफरेंस सर्विस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी हु फर्स्ट यूज द टर्म रेफरेंस सर्विस। तो इसे रंगनाथन जी ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ई दस्तावेज का क्या अर्थ है, मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स। तो ई डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में आप किसी भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को, यानी कि दस्तावेज या डॉक्यूमेंट का एक ही बात है, उसको स्टोर करके रखते हैं आप, उसे ई दस्तावेज कहते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सच एज अ कैसेट्स और सीडी रोम, रोम हो, सीडी रोम हो,
एज ए ऑप्शन में रह सकता है, तो दोनों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने 107 एक तरह का। 107 कहता है बुक रिप्लेसमेंट और डुप्लीकेशन का परामर्श किसके साथ लिया जाता है, यानी कि कंसल्टेशन ऑफ बुक रिप्लेसमेंट एंड डुप्लीकेशन विथ हुम। देखिए विथ सर्कुलेशन सेक्शन में, देखिए आपको पता होगा टेक्निकल सेक्शन, मेंटेनेंस सेक्शन, ये सभी लाइब्रेरी का सेक्शन होते हैं, उसी में ये आता है सर्कुलेशन सेक्शन। तो सर्कुलेशन सेक्शन में ही ये चीज़ों को मतलब कि अंडर रखा जाता है डुप्लीकेटिंग और रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, देखिए सर्कुलेशन बुक का सर्कुलेशन होता है तभी उसी के बीच में डुप्लीकेशन हो सकता है, मतलब डुप्लीकेटिव बुक का, जो मतलब कि जो जिसके पास प्रकाशन का अथॉरिटी नहीं है लेकिन बुक मार्केट में आप देखते होंगे कि सस्ता दाम में उसी नाम से बिकता है। चाहे वो एनसीईआरटी का बुक भी मेरठ में बहुत बड़ा भंडार मिला था, यानी कि वो लोग इसे अवैध रूप से कारोबार कर रहे थे इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वर्ड बुक इज ऑल्सो नोन एज, यानी शब्द पुस्तक के रूप में जाना जाता है, मतलब कि कोई एक बुक हो जिसमें शब्द ही शब्द हो यानी वर्ड हो, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं डिक्शनरी। तो बेसिकली डिक्शनरी में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है वर्ड का जिसे हम किसी लैंग्वेज में दिया रहता है, दो बाईलिंगुअल होता है, सिंगल लैंग्वेज लैंग्वेज भी होता है डिक्शनरी। आप ये मत समझिए हमेशा डिक्शनरी इंग्लिश टू हिंदी आता है, इंग्लिश टू इंग्लिश भी डिक्शनरी होता है कि एक वर्ड को इसको इंग्लिश में कैसे मतलब इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन होता है। वो डिक्शनरी आप पढ़ते हैं तो आपका स्पीकिंग बहुत अच्छा होता है, चाहे वो आप किसी फील्ड में हो आपका काम आएगा। जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन आप हिंदी डिक्शनरी को क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद संचार पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन का हिंदी संचार आप पढ़ते हैं। लेकिन जो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ेंगे तो आपको कम्युनिकेशन दिया रहेगा अगर वर्ड, तो उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा और मैसेज या टेक्स्ट और फाइल ट्रांसफर वन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इस टाइप से उसमें एक्सप्लेनेशन रहता है, तो आपका इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ज़्यादा होता है। आपको इंग्लिश से हिंदी डिक्शनरी आपका काम ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है, स्पीकिंग सुधारने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। 109 कहता है डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, यानी द बुक डॉक्यूमेंटेशन एंड जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए, देखिए जितने भी एस आर रंगनाथन द्वारा बुक लिखा गया वो चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए भारत के थे और सबसे बड़ी बात है कि भारत के किसी भी एग्जाम, आप भारत के ही सभी कंपटीशन में भाग लेंगे, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है देखने को। और ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहे जाते हैं, इंडियन लाइब्रेरी साइंस के जनक कहे जाते हैं, लेकिन इंडियन लाइब्रेरी साइंस के आंदोलन के जनक कहे जाते हैं गायकवाड, जो आपको राजा थे बड़ौदा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110 के डब्ल्यू आई सी पद्धति संबंधित है, यानी कि के डब्ल्यू आई सी मेथड इज रिलेटेड टू इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली इस मेथड को अगर आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इस मेथड को दिया था हैंस पीटर लुहन ने, LUHN लुहन, ठीक है, हैंस पीटर लुहन ने दिया था। और बेसिकली ये एक्रोनोम इसे कह सकते हैं की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ कॉनकॉर्डेंस लाइन्स। आप इसे 1864 में इन्होंने ये मेथड दिया था मैनचेस्टर लाइब्रेरी में, मैनचेस्टर लाइब्रेरी वहीं आपका MIT अमेरिका का लाइब्रेरी है, तो उसमें इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 111 कहता है एक कार्यक्रम को सुरक्षित बनाने के लिए एक को ध्यान रखना चाहिए, मतलब इनका कहना है क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए कभी कभी क्या होता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मैं बनाता हूँ तो उसमें हिंदी में नहीं रहता, वो इंग्लिश में रहता है और इंग्लिश में मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। तो एक कार्यक्रम को सुरक्षित बनाने के लिए एक को ध्यान रखना चाहिए, एंड टू मेक अ प्रोग्राम सेफ वन शुड टेक केयर ऑफ, यानी कि आप किसी कार्यक्रम को सुरक्षित बनाना है तो आपको बेसिकली लाइब्रेरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए एक सिंगल बात को, तो स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, यानी मजबूत प्रमाणीकरण और अभिगम नियंत्रण। यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में एक उसे सुरक्षित बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑथेंटिकेशन मतलब कोई एक फेक, यानी कि कोई ऐसा ना हो कोई भी बुक लेके आपका चला जाए, आपके पास कोई डेटा नहीं है। एक्सेस कंट्रोल यानी कि बुक को जो ले जा रहा है ला रहा है उसका टाइमिंग सब कुछ कंट्रोल रहे, तो आपका जो लाइब्रेरी होगा यानी या उसके अलावा कोई कार्यक्रम होगा वो आपका शेड्यूल यानी कि सही तरीके से वर्क करेगा, अदरवाइज वो फेल कर जाएगा। आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग
ऑथेंटिकेशन मतलब क्या हुआ कि वेरिफिकेशन मतलब कि वेरीफाई हो, हर बुक कोई ले जाए, कोई आपके पास लाइब्रेरी में कोई व्यक्ति आता है तो वो वेरीफाइड पर्सन हो, यानी कि उसका अकाउंट हो आपके पास, यानी कि उसने ले रखा हो पर मंथ का जो उसका मतलब लाइब्रेरी में हर किसी को रिन्यू किया जाता है 1 मंथ के या 1 ईयर या 6 मंथ के बाद उसके ऑथेंटिकेशन को। ऑथेंटिकेशन मतलब कहते हैं कि हम सभी को एक तरह का लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कार्ड बनता है जिसको आपको प्रमाणित कि हाँ आप इस लाइब्रेरी से जुड़ गए हैं, तो उसी चीज़ का ऑथेंटिकेशन की बात की जा रही है। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से पुस्तकालय विज्ञान के चौथे कानून का निहितार्थ नहीं है, तो यानी नहीं है पूछ रहा है, तो आपका रूरल लाइब्रेरी सर्विस जो है ये फोर्थ लॉ से रिलेट नहीं करता है। क्लासिफाइड अरेंजमेंट, स्टॉक रूम गाइड और इशू मेथड, ये तीनों फोर्थ लाइब्रेरी से रिलेट करता है। देखिए बेसिकली ये फोर्थ लॉ कहता क्या है, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए। फोर्थ लॉ कहता है कि यूजर का समय का बचत हो, मतलब कि रीडर का मतलब जो मतलब रीडर है उसका समय का बचत हो, बेसिकली सेव द टाइम ऑफ रीडर, एग्जैक्ट यही होता है वर्ड, सेव द टाइम ऑफ रीडर, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं रीडर हैं उनका समय का बचत हो। तो बेसिकली समय का बचत कैसे हो सकता है, पहला तो क्लासिफाइड अरेंजमेंट यानी बुक का आपका अरेंजमेंट हो, यानी कि अगर कोई आता है पढ़ने, कोई रीडर आता है आपके लाइब्रेरी में, तो आपका बुक ऐसे अरेंजमेंट हो कि वो बोले आप 1 सेकंड में ला के दे दें उसे, मतलब 1 सेकंड करने का मतलब कम से कम समय में आप उसको बुक ला के दे दें, नहीं तो आप खोजने में ही अगर आधा घंटा टाइम निकाल देते हैं तो जो रीडर है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और उसके पास आधा घंटा ही समय था पढ़ने के लिए और आधा घंटा आपने बुक ही खोजने में टाइम लगा लिया। तो इसके वजह से आपका क्लासिफाई अरेंजमेंट फोर्थ जो आपका लाइब्रेरी साइंस के चौथा लॉ है उसके अंतर्गत आ रहा है। उसके बाद सेकंड कह रहा है स्टॉक, जो स्टॉक रूम है वो गाइड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्टॉक रूम का गाइड होना चाहिए आपके पास, मतलब कि मान लीजिए बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, छोटे की बात नहीं कर रहा, मतलब 10-12 रूम है, तो आपके पास सभी गाइड होना चाहिए एक तरह से कि हाँ अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो आपके पास गाइड्स होना चाहिए कि हाँ, चाहे अगर आप वहाँ नहीं है तो आपको हर चीज़ का एक गाइड होना चाहिए वहाँ लाइब्रेरी में, कि कोई व्यक्ति आता है, देखिए जो कुछ फॉरेन कंट्री है जहाँ पे लाइब्रेरियन बहुत कभी कभी नहीं होते हैं लेकिन उनका लाइब्रेरी ओपन होता है 24 आवर, तो उस केस में क्या होता है कि जो रीडर होते हैं वो जाते हैं, उन गाइड देखते हैं कि मुझे ये बुक पढ़ना है, वो क्या करते हैं उस गाइड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि टेक्निकल बुक किधर मिलेगा अगर टेक्निकल पढ़ना है तो, और उस सेक्शन में चले जाते हैं वहां से वो बुक ले लेते हैं। तो ये बेसिकली ये समय का बचत हुआ रीडर का। फोर्थ कह रहा है इशू मेथड। इशू मेथड क्या होता है, मतलब बुक को इशू करना है, तो मान लीजिए हम जल्दी में बुक को इशू करने का जो मेथड है उसे हम कॉम्प्लिकेटेड ना बना दें, कि मतलब कि पहले आए कोई तो हम उसको अगर कोई कार्ड दे देते हैं कि हाँ आपने इसका ऑथराइज ले लिया, मतलब कि लाइब्रेरी में आने का आपको 100 रुपया लगा या फ्री जो भी है, अगर पब्लिक लाइब्रेरी फ्री ही है अगर, तो हमने फ्री अगर कर दिया तो बस हाँ कि ये यूजर ने आया और ये बुक लिया, ताकि आपका बुक का मतलब खो ना जाए इस वजह से। तो ये ना कहें कि आप नाम लिखिए, आप मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा हम लेंदी मेथड बना दें कि आपको पहले वाला बुक दीजिए, मतलब बहुत तरह का एक मतलब होता है ना कॉम्प्लिकेटेड कर देना, कि पहले आप बुक ले रहे हैं तो यहाँ सिग्नेचर कराएं, वहाँ कर रहे हैं, यहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हैं, 10-20 जगह कर रहे हैं, बस सिंपल बात है, बुक लेना है आप पढ़िए और आप वापस कर दीजिए, अगर आपने वापस नहीं किया तो आपका इंटरव्यू रहेगा कि आपने बुक वापस नहीं किया, तो उसके लिए लेकर अगला बार आप आते हैं तो फाइन लगेगा, इस तरह के मेथड होना चाहिए, सिंपल मेथड हो। तो कहने का मतलब है कि जो चारों कानून मतलब कि ये फोर्थ लॉ है वो किसी ना किसी तरह टाइम का बचत कर रहा है रीडर का, लेकिन इसमें जो रूरल लाइब्रेरी सर्विस है ये फोर्थ लॉ के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। लेकिन मैंने आपको ये समझाया कि फोर्थ जो कानून है लाइब्रेरी विज्ञान के ये कैसे रिलेशन, ये तीनों जो ऑप्शन थे वो कैसे उससे रिलेट कर रहे हैं, और फोर्थ लॉ के बारे में बता दें जो लाइब्रेरी साइंस के लॉ थे वो पांचों लॉ आपको रंगनाथन जी ने दिया था, 1928 में उन्होंने इसे बनाया था, लेकिन 31 में इसे पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन किया गया था, और पहली बार उन्होंने मीनाक्षी कॉलेज मद्रास में है वहाँ पे उन्होंने ये बात बोला था, उसके बारे में बाद में आगे डिटेल में इसको पढ़ लेंगे, एमसीक्यू पर भी ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, इंटरनेट से कनेक्ट करते समय किस उपकरण की आवश्यकता होती है। देखिए अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है मतलब कि जो 5 साल से मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं उन्हें शायद ना पता हो 2-3 साल से, लेकिन पहले मोडम आता था, तो मोडम आता था, अब मोडम मेरे पास अभी भी मौजूद है, मतलब पहले मैं खरीदा था जब पहले बहुत, तो उस समय मोडम आता था और 1500-2000 तक दाम होता था और उसके थ्रू उसमें सिम लगते थे और उसे हम लैपटॉप में नेट को कनेक्ट कर पाते थे, और काफ़ी प्राइस हाई प्राइस जो होता है हाई पड़ता था उसमें इंटरनेट का, लेकिन जियो आने के बाद ये सब चीज़ें बदल गया, मोबाइल से ही डायरेक्ट हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। अभी भी आपको लैपटॉप में अगर इंटरनेट कनेक्ट करना है तो मोडम का ही यूज करना पड़ता है,
या आप वाईफाई लगवाए हैं तो उससे कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम मोबाइल के वाईफाई से लैपटॉप अपन कनेक्ट कर लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन मोडेम के में सिम लगाते हैं और उसे इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है लैपटॉप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 यानी कि 114, सीडीएस आईएसआईएस सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है, मतलब किसके द्वारा किया गया? बेसिकली ये यूनेस्को द्वारा किया गया है, ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुस्तकालय की रख रखाव अनुभाग में निम्नलिखित में से कौन सी मार्गदर्शिका का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गाइड आर यूज इन द मेंटेनेंस सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय के रख रखाव अनुभाग में निम्नलिखित में से कौन सी मार्गदर्शिका का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें उसके मतलब कि जो मेंटेनेंस सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी मतलब कौन कौन से गाइड यूज किए जाते हैं। देखिए पहला तो है गैंगवे गाइड, दूसरा है सेल्फ गाइड, तीसरा है टायर गाइड, फोर्थ है यूजर गाइड। तो देखिए 1 2 3 जो है ये तीन होता है मेंटेनेंस के लिए, यूजर गाइड जो होता है वो बताया फोर्थ लॉ का अंतर्गत आता है, ये यूजर के लिए होता है मतलब कि जो रीडर होता है उसके लिए गाइड होता है कि आपको बुक अगर लेना हो तो आप कैसे ले सकते हैं। बाकी ये तीनों जो गाइड होता है ये सर ये तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। 116 कहता है कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू किया गया? तो कर्नाटक पब्लिक एक्ट जो था वो 1965 में किया गया, और फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट जो पास हुई थी वो मद्रास गवर्नमेंट, अब उसे तमिलनाडु जो स्टेट है उसके अंदर आता है चेन्नई, यानी मद्रास का नाम अब चेन्नई हो गया है, तो मद्रास स्टेट ने लागू किया था 1948 में, 1948 में फर्स्ट किया था। और आपको कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, किसी भी अगर स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट किसने पास किया, लेटेस्ट किसने पास किया, और जो जिस सेक्टर में आप एग्जाम दे रहे हैं मतलब मान लीजिए कि जिस रीजन में, उस रीजन में जो भी स्टेट आते हैं 2 3, उनका आप लाइब्रेरी पता कर लीजिएगा कब, मतलब इंटरनेट पे, या मैंने अपने वेबसाइट पे भी अपलोड किया लाइब्रेरी साइंस डॉट इन पे, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेट का गवर्नमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं या तो उस स्टेट के लाइब्रेरी के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि उस लाइब्रेरी एक्ट कब लाया गया और उसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और आप किसी भी लाइब्रेरी के एग्जाम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं डायरेक्ट, तो आप उस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ छान लीजिए। मान लीजिए दिल्ली लाइब्रेरी के किसी दिल्ली लाइब्रेरियन मतलब कि लाइब्रेरी का नोटिफिकेशन निकला है और उसका इंटरव्यू में जा रहे हैं डायरेक्ट, तो आपको दिल्ली लाइब्रेरी जो होता है एग्जैक्ट पता होना चाहिए। हालांकि दिल्ली लाइब्रेरी जो होता है 1951 में उसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया गया था, तो आपको सभी चीज़ें ये पता होनी चाहिए और उसके बारे में और क्या है, उनके अभी लाइब्रेरियन कौन है, हेड कौन है, और पहले कौन थे, सबसे फर्स्ट कौन थे, और उसको कब लाया गया, ये सभी चीज़ें आपको एक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप नहीं बताते हैं तो बहुत बैड इफेक्ट आपके इंटरव्यू पर मतलब इंपैक्ट डालेगा और आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर डीपली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं पता होता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होता है तो वो ज़्यादा फर्क नहीं डालता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जरूर फर्क डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, और देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं, तो मैं बता दूं मैं एमडीस किया हूँ पटना यूनिवर्सिटी से रेगुलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, प्राथमिक स्रोत में शामिल है यानी प्राइमरी सोर्स इंक्लूड द थेसिस पेटेंट एब्स्ट्रैक्टिंग पेरियोडिकल एंड पेरियोडिकल आर्टिकल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है यानी 1 2 4। देखिए जो आपका जो प्राथमिक थेसिस होता है वो प्राथमिक सोर्स होता है, और उसके बाद पेटेंट भी प्राथमिक सोर्स होता है, पेरियोडिकल आर्टिकल भी प्राथमिक स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर प्राथमिक और सेकेंडरी होता है सोर्स, तो उसके बारे में आपको थ्योरेटिकल में पढ़ना मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, सिटेशन इंडेक्सिंग वाज फर्स्ट डेवलप इन द फील्ड ऑफ लॉ, देखिए सिटेशन इंडेक्सिंग जो था वो लॉ के सेक्टर में डेवलप किया गया था। देखिए यह एक तरह का बिब्लियोग्राफी इंडेक्सिंग मेथड है, एक तरह का एक टाइप है बिब्लियोग्राफी का, जो कि मतलब कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, बीसीयू के निर्माण के मार्ग मार्ग पुस्तकालय की किस प्रक्रिया का हिस्सा है, यानी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट आर द पार्ट ऑफ व्हिच प्रोसेस ऑफ द लाइब्रेरी। तो देखिए क्लासिफिकेशन का ही एक तरह का प्रक्रिया का हिस्सा है ये, मतलब विषयों के निर्माण के मार्ग पुस्तकालय की, देखिए विषयों का निर्माण जो है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट वो किस मतलब लाइब्रेरी के प्रोसेस में जो भी होता है उसमें किसका पार्ट है, तो क्लासिफिकेशन क्या मतलब, क्लासिफिकेशन से ही तो हम पता लगा सकते हैं कि ये मतलब क्लासिफाइंग मतलब क्या होता है कि उसको वर्गीकृत करना कि हाँ ये टेक्निकल का है ये आर्ट्स का है, तो बेसिकली विषय जो होता है यानी सब्जेक्ट जो होता है टेक्निकल सब्जेक्ट है
या लॉ का सब्जेक्ट है या इसी से ये रिलेट करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 121, पुस्तकालय की मूल सेवा कौन सी है। व्हिच वन इज द बेसिक सर्विस ऑफ द लाइब्रेरी। आपसे पूछा जाए लाइब्रेरी का बेसिक सर्विस क्या है, आपसे पूछा जाए पुस्तकालय क्या है, तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन होती है जो इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए बेसिक मतलब कि इसका यूज। तो बेसिकली जो होता है पुस्तकालय की मूल सेवा कौन सी है, यानी प्रोविजन ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, असिस्टेंट टू लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, असिस्टेंट टू यूज ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो देखिए इसका जो यूज है लाइब्रेरी का मूल सेवा जो है प्रोविजन ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, आपको मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ मतलब आप जाते हैं लाइब्रेरी में, जैसे यहीं पटना का जो खुदाबख्श लाइब्रेरी है उस वो एसी मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, मतलब हैंड हाथ से लिखी हुई लिपि का मतलब वहाँ संग्रह है, तो वो जो हाथ से उसे मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, तो मैनुस्क्रिप्ट का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, तो कुछ ऐसे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफिक है मतलब वो जनरल नहीं है, तो उस केस में आपको वो इन्फॉर्मेशन तो वो आपको प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर सकते हैं, आप जाएंगे अगर उसे डिमांड करेंगे हमें ये चीज़ पानी है तो वो चीज़ें तो आपको मिल सकती है वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ वो जनरल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रही है, यानी जनरल बुक जो भी होते हैं वो भी प्रोवाइड करा रहा है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहा है। तीसरा असिस्टेंट टू द लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल वो भी असिस्ट कर रहा है लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। और तीसरा असिस्टेंट टू यूज ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, बिल्कुल लाइब्रेरी कैटलॉग के लिए भी असिस्ट कर रहा है, तो इसलिए सभी कुछ इसमें का ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी 1, 2, 3, 4 यानी ऑल अब तक अबव आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कहता है इन व्हिच ईयर रेफरेंस सर्विस वाज स्टार्टेड इन द यूएस, यानी यूएस में किस वर्ष संदर्भ सेवा शुरू की गई थी। तो 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था लाइब्रेरी, उस समय की जो इकोनॉमिक ऑफ लाइब्रेरी स्कूल जो था उसका स्थापना मतलब किया गया था उसी समय, तो उसी के समय के बाद ये यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 यानी कि 123 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूजीसी ने निम्नलिखित में से किस गतिविधि का समर्थन किया है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सपोर्ट बाय यूजीसी, यानी कि यूजीसी जो है लाइब्रेरी के सेक्टर में क्या किन किन बातों पर वो समर्थन कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है, आपको मतलब पूरा नॉलेज होना चाहिए कि यूजीसी क्या क्या काम करता है लाइब्रेरी के सेक्टर में, तो वो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा। देखिए पहला काम है फैसिलिटेटिंग इंक्रीजिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना की सुविधा की में वृद्धि हुई है, मतलब वृद्धि को एक्सेस करना, बेसिकली हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, तो फैसिलिटेटिंग इंक्रीजिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बिल्कुल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, मतलब उसमें इंक्रीमेंट हो, मतलब कि इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। सेकंड का मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिवाइज सर्कुलर करिकुलम, मतलब कि जो भी संशोधित पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करना, बस देखिए आप मॉनिटरिंग क्यों करेंगे, वो तो उनका काम है ना, मतलब कि ये आपके लिए क्या मतलब हेल्पफुल है वो देखना है, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है। तीसरा है मेकिंग पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिल्कुल बिल्कुल ये मानव संसाधन विकास की नीति बनाता है, बिल्कुल मानव मतलब संसाधन, देखिए जो लाइब्रेरी होता है ना वो बेसिकली जितने भी भारत के लाइब्रेरी हैं, जैसे कि मतलब कि कहें कि नेशनल लाइब्रेरी है या साइंस लाइब्रेरी, देखिए साइंस जो लाइब्रेरी है वो IIT दिल्ली मतलब मीन्स केयर जो वहाँ है वो है, और मतलब जो राष्ट्रीय मेडिकल लाइब्रेरी जो है ना वो आपका एम्स दिल्ली में है, और हैंडीकैप्ट आपको उत्तराखंड में है देहरादून में है, और आपका नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है। तो ये जो भी नेशनल लाइब्रेरी है बेसिकली कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और जो UGC है ना वो मानव संसाधन का विकास कैसे हो, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, गांव तक लाइब्रेरी पहुंचे, एक तरह का ये सभी ह्यूमन डेवलपमेंट का पैरामीटर ही है कि हम मानव को कैसे विकास करें, तो उस सेक्टर में ये काम जरूर करता है लाइब्रेरी के माध्यम के थ्रू, कि लोग पढ़ने की आदत हो, लोगों में अच्छे ज्ञान की वृद्धि हो, और अपने मतलब कि मतलब पास्ट को या टेक्नोलॉजी या सभी चीज़ों से जुड़ पाए, तो एक तरह से ये काम बिल्कुल करता है। दूसरा फंडिंग ऑल एकेडमिक लाइब्रेरी, देखिए पुस्तकालय को फंडिंग बेसिकली बहुत तरह से आता है, केंद्र सरकार से आता है, तो ये नहीं कर सकते, UGC फंडिंग करता है। और मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन जो था आपका सेकंड वाला, वो भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी इसमें जो ऑप्शन में है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवाइज करिकुलम में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि देखिए लाइब्रेरी में क्या करिकुलम, मतलब कुछ
मतलब बेसिकली ये लाइब्रेरी के सेक्टर में ये बात कर रहा है, तो करिकुलम के लेके पाठ्यक्रम को क्या मतलब लाइब्रेरी के लिए कुछ मतलब नहीं बनता है इस क्वेश्चन का, मतलब ऑप्शन ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। तो थोड़ा सा यूजीसी नेट थोड़ा सा घुमाता है कभी कभी, और इस साल का तो यूजीसी नेट थोड़ा सा ज्यादा घुमा दिया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, डीडीसी 23वें संस्करण में कितने सहायक टेबल हैं, यानी हाउ मेनी ऑक्जिलरी टेबल आर देयर इन डीडीसी 23rd एडिशन। तो 6 टेबल है इसमें, तो बेसिकली आपका जो लेटेस्ट होगा, जैसे डीडीसी लेटेस्ट जो है उसी को आपको याद रखना है ज्यादा, फर्स्ट का याद रखिएगा लेटेस्ट को एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो, क्योंकि यही दोनों पूछता है, तो 23rd का 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑन द इंटरनेट। तो ब्लॉग, ब्लॉग इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बुलेटिन बोर्ड सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है, बेसिकली बुलेटिन कहने का क्या मतलब हुआ, बेसिकली बुलेटिन मतलब क्या हुआ कि जैसे न्यूज है, तो कोई न्यूज जैसे न्यूज है, आप जैसे कोई कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं आप, तो आप कहते हैं ये बुलेटिन बुलेटिन चल रहा है, तो उसी तरह ब्लॉग के माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे जगह आप पहुंचा सकते हैं, जैसे वेबसाइट है librariesaince.in। तो बेसिकली ब्लॉगिंग क्या है, एक तरह का बुलेटिन मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब पहुंचाता है, जैसे librariesaince.in एक तरह का ये ब्लॉग है, जितने भी वेबसाइट हैं जो कि आर्टिकल पब्लिश करते हैं अपने वेबसाइट पर, वो सभी एक तरह का ब्लॉग है, जैसे फेसबुक है सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे आपका ट्विटर है तो वो भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन librariesaince.in एक तरह का ब्लॉग है, और आपका जो कोई न्यूज़ पब्लिश कर रहा है तो वो न्यूज़ का ब्लॉग है, हेल्थ के लेकर रिलेटेड लिख रहा है तो हेल्थ का ब्लॉग है, लेकिन अगर लाइब्रेरी साइंस के लेकर लिख रहे हैं librariesaince.in तो लाइब्रेरी का ये ब्लॉग है, लेकिन ये सभी ब्लॉग हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग ब्लॉग हैं। लेकिन जैसे ये पिकासो है तो ये बेसिकली क्या है, ये ब्लॉग नहीं है, एक तरह का ये सॉफ्टवेयर आता है जिसे फोटो वगैरह आप देख सकते हैं, गूगल टॉक पे बात होती है, वो भी पता नहीं, शायद ये भी एक सोशल नेटवर्क की साइट है किसी फॉरेन का, तो यही जो एक है सी, इसी पे बुलेटिन मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कोई लगता है इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप जरूर लाइक करना, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, और देखिए बहुत लोगों का ये डिमांड है कि 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए, देखिए आपका डिमांड बिल्कुल जायज है और 50 क्वेश्चन होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं थोड़ा सा चैनल अगर ग्रोथ अच्छा से कर जाता है तो 50 क्वेश्चन कहीं लेके आएंगे लोग, और अभी थोड़ा सा व्यू कम आते हैं तो उसको लेके थोड़ा सा मतलब रहता है कि हाँ 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं लोग, काफ़ी टाइम हमें देना पड़ता है, आप समझ सकते हैं इस बात को कि हमें पहले तो क्वेश्चन बनाओ, फिर क्वेश्चन बनाने के बाद ऑप्शन ऐसे चूज करो कि सभी चीज़ें करेक्ट हो, आपको यूजीसी लेवल का हो बेसिकली, और केवीएस एनवीएस ये सब के लिए लेकर रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड रिलेट करता हो, उसके बाद इस क्वेश्चन को जो भी इंग्लिश में क्वेश्चन है उसको टाइपिंग करो, फिर हिंदी में उसे ट्रांसलेट करना है, फिर उसे ट्रांसलेट करने के बाद इसको फिर से ला कर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ पे फिर वीडियो बनाना है, डिस्कशन करना है, तो काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए 25 क्वेश्चन मैं अभी थोड़ा करा रहा हूँ, अगर चैनल अच्छा ग्रोथ कर जाता है 10-20,000 अगर हो जाते हैं तुरंत सब्सक्राइबर वगैरह, तो फिर हम 50 क्वेश्चन आपके जो डिमांड है वो जरूर पूरा की जाएगी, बेसिकली स्टूडेंट से ही चैनल चलता है, तो आप जरूर लाइक शेयर कमेंट जो भी होगा वो कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को ग्रोथ कराइए ताकि आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो और सभी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सके। देखिए लाइब्रेरी साइंस में कोई चैनल नहीं है जो कि अच्छा हो, जो सब कुछ कराता हो अच्छा से, इसीलिए चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और सभी चीज़ें का यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक देखिए librariesaince.in।